ठीक है, मैंने जो तुमको लिंक भेजा है उसमें सीबीएसई के, मैंने लास्ट ईयर एक बिटिया को पढ़ाया था, वो चेहरा की, सॉरी जैतवारा की, जैतवारा क्या? से एक बिटिया थी प्रियांशी करके, लास्ट ईयर मैंने उसको पढ़ाया था जब, तो सीबीएसई नहीं का पता। उसमें उसमें 12th के क्वेश्चन सॉल्व हैं कुछ, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको तुमको भेज दिया, सीबीएसई के ही क्वेश्चन हैं, तो उससे तुमको काफी हेल्प मिल जाएगी। और आ जाओ, पहला कहाँ से बोल रहे थे तुम, 41 पेज में ना, ये क्वेश्चन नंबर 40 से तुमको नहीं बन रहा था ना, हाँ, 44। 44 क्वेश्चन क्या था? विक्रम लिमिटेड फॉरफीट 5,000 शेयर ऑफ राहुल हु हैज अप्लाइड फॉर उसके बाद 6,000 वाला शेयर क्वेश्चन फॉर कौन सा है? नॉर्थ उसके बाद वाला क्वेश्चन अंकित वाला है क्या? अल्फा लिमिटेड। नहीं, अभी फॉरफीट ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम, ये क्वेश्चन है ना पहले, नहीं, एट पार। एट पार में आ जाओ, तो फिर मैं देखता हूँ, इशू एट पार, अल्फा लिमिटेड है पहला क्वेश्चन, उसके पहले कौन सा क्वेश्चन है? उसके पहले है विक्रम लिमिटेड। विक्रम, नया क्वेश्चन जुड़ा है मेरे पास, एक्चुअल में पुरानी बुक है। ये सैंपल पेपर का ट्यूटोरियल है। क्लोज ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 1 तुमने पूछा, फॉरफिट एट पार है ना, अल्फा लिमिटेड इज अ केस 1 2 3, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, सीबीएसई लास्ट ईयर आया है ये, है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन को, अब जब अपन को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें करना क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समराइज करेंगे, सॉल्यूशन नंबर अकॉर्डिंग टू योर बुक इज 44, डन। सबसे पहले क्या लिखा है, विक्रम लिमिटेड फॉरफीटेड 5,000 शेयर ऑफ राहुल, ठीक है ना, अपन ने लिख दिया, अभी वी आर प्रिपेयरिंग ओनली समरी राइट नाउ, है ना, कि भैया 5,000 शेयर हैं, डन। हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, जिसने एप्लीकेशन कितने दी है, 6,000 की एप्लीकेशन 6,000, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1,000। डन, ठीक है। अब आगे पढ़ो, दिस शेयर वेर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन होता है ना, फिर अलॉटमेंट होता है जो कि उसने पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया है। कितने रुपए का है, 5 रुपए का, हाँ, डन। मेरी बात ध्यान से सुनना, 5,000 शेयर है तो कितना पैसा उसने पे नहीं किया, 25,000। 25,000 नॉट पेड, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पे नहीं हुआ। नॉट पेड कितना, 2 रुपीज के हिसाब से 5,000 शेयर का कितना पैसा होता है, हेलो कितना होता है, हेलो, मेरी वॉइस नहीं, मेरी वॉइस नहीं आ रही, अब आई मेरी वॉइस, हेलो, वॉइस आई कि नहीं आई, शिवांशी मेरी वॉइस आई, अब तो फिर क्या वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया क्या, नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही, हाँ वॉइस आई अब, नेटवर्क अब लोचा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब बताओ कितना पैसा बनेगा ये, 10,000 रुपए,
फर्स्ट एंड फाइनल ओनली एप्लीकेशन मनी थ्री वॉज पेड बाय हिम, हिम एप्लीकेशन का कितना है 3 रुपए 3 रुपए, तो कितना हुआ टोटल 15 15,000 उसने पे किया, डन ठीक है। बट ध्यान देना उसने 6,000 शेयर अप्लाइड किए हैं, इट मींस 1,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया? एक्स्ट्रा दिया, यस या नो? क्योंकि तुमने उसको शेयर कितने दिए हैं? शेयर 5,000। 5,000, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहां से माइनस हो जाएगा? 6,000 में से, अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट से हाँ। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ध्यान से समझना कि अगर आपने मेरे को नवंबर में दिसंबर की फीस भी दे दी और दिसंबर में नवंबर में तुमने छोड़ दिया, या सॉरी नवंबर में तुमने दिसंबर की फीस दे दी, तो जब दिसंबर की फीस आएगी तो वो माइनस होगी कि नहीं होगी? होगी माइनस। मान लो फीस है, मान लो 1,000 फीस है, तो जनवरी में तुमने नवंबर में तुमने मुझे 1,500 रुपए दे दिए, तो अगले महीने कितने दोगी? 500। तो जब ये एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो वो अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा? माइनस। तो अलॉटमेंट में 22,000 रुपए नहीं मिले। डन, ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर वेयर रीइश्यूड, यहाँ पे शेयर क्या हो गए? फॉरफीट। क्या कर दिया कंपनी ने? फॉरफीट कर दिया, फॉरफीट ठीक। एंड रीइश्यू, रीइश्यू कितने क्या? किसको कर दिया उसने? 3,000 शेयर उसने दोबारा बेच दिया, कितने रुपए में? 12 रुपए में, 36,000 में दोबारा बिक गए। यस या नो? नहीं समझ में आया, मिटा दूं इसको? बेटा मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो चैट में लिख सकती हो। मेरी वॉइस आई? अगर हेडफोन हो तो हेडफोन यूज कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर लोगी तो सही से सुनाई देगा। अभी वॉइस आई? मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस ही नहीं आ रही तो मुझे कैसे मैं आगे बढ़ूं? या तो आप यस लिखो या तो आप कुछ बोलो तो मैं फिर आगे बढ़ूं। शिवानशी, बैठ। रिचार्ज खत्म। क्या हुआ? नेट खत्म हो गया है क्या? हाँ आज खत्म हो गया, मैं कल से ध्यान रखूंगी। तो भी वीडियो बंद रखना, ऑडियो सुनो केवल। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया?
फॉरफिट हुआ, रीइशू हुआ 3,000 शेयर 2 रुपए की, 12 रुपए के हिसाब से 36,000 है ना, ये रीइशू वाली कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, जो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मेट हर जगह अप्लाई होगा, हर फॉरफिट की एंट्री में, ध्यान देना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल टू डिस्काउंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ये प्रोफार्मा हर जगह लगेगा, ठीक है ना, ये आपको हर बार फॉरफीट की एंट्री में यूज करना है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको वैल्यू पुट करते आना चाहिए, बस आपसे अपने आप पूरा बन जाएगा। देखो ध्यान दो, शेयर कैपिटल में टोटल शेयर की कितनी वैल्यू है? 5,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने के हुए? 50,000। यहाँ हम टोटल शेयर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ प्रीमियम है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, प्रीमियम नहीं है, ये उड़ा दिया। अब बताओ यहाँ जो नीचे जितने भी टू में आइटम लिखे हैं ना, टू में हमको वही आइटम लिखना है जो पैसा नॉट पेड है, तो अलॉटमेंट में कितना नॉट पेड है? अलॉटमेंट में नॉट पेड है पूरे 5,000। ए बिटिया पैसा बताओ, पैसा आप देखो सामने, आपने सॉल्व कर रखा है, बस सीधे देख के नकल मारनी है। 25। हाँ और पढ़ो, पूरा पढ़ो। 22 क्योंकि 3,000। हाँ सब कुछ तुमने कर दिया है, सिर्फ नकल मारना है। अब बताओ फर्स्ट कॉल में कितना कितना नॉट पेड है? फर्स्ट कॉल में क्वेश्चन मत देखना, सामने सॉल्व है। 7,000। अरे कहाँ से 7,000 देख लिया तूने बेटा? फर्स्ट कॉल में कितना नॉट पेड है? क्वेश्चन क्यों देख रही हो, यहाँ से देखो सब लिखा हुआ है, ये देखो इसमें सब लिखा है। फर्स्ट कॉल में कितना नॉट पेड है? 10,000। हाँ सिर्फ नकल मारनी है, 10,000 है ना। सेकंड कॉल कोई है क्या? हेलो सेकंड कॉल है? नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल को डिलीट कर दो। डिस्काउंट क्वेश्चन में कहीं है? नहीं, तो इसको भी डिलीट कर दो। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी देखना ध्यान से, डीआर से सीआर को माइनस करो। डीआर में 50,000 है और सीआर में 32 है, कितना आएगा? 32 है, 50 में 32 माइनस करो, डी आर माइनस सी आर 18। ये हो गया डन। तो नरेशन क्या बनेगा? बीइंग शेयर फॉरफीटेड, बीइंग शेयर फॉरफीटेड डन। अब इसको रीइशू करना है, तो रीइशू की भी एक कॉमन एंट्री बता रहा हूं, ध्यान रखना। रीइशू की कॉमन एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कॉमन एंट्री है बेटा, ध्यान रखना है ना। और यहां डीआर में एक नई चीज आएगी जो मैं अभी अभी नहीं बताऊंगा, अब मैं ये कॉमन कॉपी कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब भटाक से एंट्री बताओगे अभी मुझे, देखो बढ़िया एक चीज याद रखना, जो हम यहां लिखते हैं ना वो हम यहां ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये 50,000 जो वैल्यू है वो कितने शेयर की है बताओ। 5,000 की, हाँ, और हम पांच रीशो, हजार और हम रीशो कितने कर रहे हैं, 3,000 हाँ, तो 3,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से क्या वैल्यू बनेगा, 30। 30। और आपने बेचा कितने में है, देखो ऊपर लिखा है तुमने रीइशू कितने में किया है। 36,000। हाँ गुड, 36,000। अब 5,000 एक्स्ट्रा मिल गया ना तुमको। हाँ अब यहां पे एक वर्ड आता है इक्विटी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डीआर, ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या वैल्यू हुई, जीरो। क्यों जीरो हुई, क्योंकि डीआर का टोटल सीआर के टोटल की क्या होना चाहिए, इक्वल। एंट्री में ये सीखा है कि नहीं सीखा, हाँ सीखा है। डीआर का टोटल सीआर के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ 36 है, यहाँ 30 है, तो 6,000 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना। तो इसको कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, तो मान लो 36,000 यहाँ आ जाता और 30,000 यहाँ आता, तो 6,000 कहाँ लिखते, फॉरफिटेड। 6,000 ऊपर डेबिट में लिखते, हाँ, तो फॉरफिट डेबिट में किस नाम से लिखते, शेयर फॉरफिट। हाँ। अब तीसरी एंट्री होती है जब फॉरफिट होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री। इसका पहले नरेशन लिख दो, डी शेयर रीइशू, डन। अब एक होती है ट्रांसफर की एंट्री, किस क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान दो। ट्रांसफर की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, अकाउंट। अब ध्यान देना इसको कैसे, इसका इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट फॉरफीट माइनस सेकेंड फॉरफीट, कैसे, देखो दिमाग लगाना है, आसानी से सॉल्व करके बताओगी तुम अभी। पहला फॉरफीट इसमें कहाँ आया, कितनी वैल्यू आई है बताओ, पहले फॉरफीट में, पहली एंट्री में जो फॉरफीट हुआ वैल्यू कितनी थी, पहली एंट्री में 50, फॉरफीट की वैल्यू, 36, हाँ फॉरफीट की वैल्यू पहली एंट्री में 18,000। 18,000, डन। दूसरी एंट्री में फॉरफीट की वैल्यू कितनी है, 0। जीरो। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो एंट्री है फॉरफीट की, वो एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फॉरफीट अकाउंट डी आर टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एक्चुअली में इन्होंने पहले डाल दिया, इसको बाद में होना चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है जो पहले आ गया, पहले आसान क्वेश्चन होने चाहिए फिर कॉम्प्लिकेटेड, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ये फर्स्ट एंट्री का फॉरफीट कितना था, 18,000, माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफीट कितना है, जीरो जीरो। तो आंसर आना चाहिए 18,000, लेकिन आपकी बुक में ये आंसर नहीं आ रहा है, चेक करो आंसर गलत है ये, 800 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कितने शेयर की वैल्यू है, 5,000 की,
जबकि ये जो जीरो है ये कितने शेयर की वैल्यू3,000 की। है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो इसको सुधारेंगे कैसे, ध्यान देना, 18,000 जो फॉरफिट हुआ है वो कितने शेयर पे हुआ है, तो 5,000 हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड करने पे, और इनटू करेंगे कितने शेयर से, 3,000 शेयर से। फिर अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। अब समझना, तुमने अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने 10,000 सूट, 10,000 सूट खरीदे अपने पहनने के लिए, सॉरी 10,000 रुपए में सूट खरीदे 10, तो 3 सूट कितने के हुए, 10,000 में 10,000 में 10 पीस खरीदे तो 3 पीस कितने में आएंगे, कैसे डिवाइड निकाला, कर। डिवाइड किया तो 1 पीस आ गया हाँ और मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। सेम चीज यहां हो रही है, 18,000 रुपये फॉरफिट किए 5,000 पीस में, तो 3,000 पीस का रेट कितना आएगा। अब चलो डिवाइड करो, कॉपी होगी तुम्हारे पास, करो करो करो, कैलकुलेटर का यूज मत करना, एग्जाम में यूज नहीं होता है, आज नेट नहीं है इसलिए कैमरा ऑन नहीं करवाया, नहीं तो दिख जाता है। मैं कर सकता हूं, मैं टीचर हूं। कितना आया, तारी करो करो, गया 108। 10,800 आ गया। हाँ भाई, अब 10,800 माइनस 0 इज इक्वल टू, 10,800 यस या नो, यस। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की। अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको फाइल भेज दूंगा, अपने मोबाइल में WPS नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें ये फाइल खुल जाएगी और मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस रिकॉर्डिंग को आपके YouTube में डाल के आपको लिंक भी भेज दूंगा, तो दोबारा भी देख सकते, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 45। माइनस 40। मैं नंबर इसलिए पूछूंगा क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें नंबरिंग अलग है। क्वेश्चन अल्फा क्या था, लिमिटेड इसमें, अल्फा लिमिटेड। चलो इसकी, अल्फा चलो लिमिटेड इसकी फटाफट समरी बनाओ, कितने शेयर हैं, लिमिटेड 20,000 20,000 शेयर इशू किया, कितने रुपए का एक शेयर है, दस तो कितने का हो गया, दो 2 लाख। अब ठीक दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। रुपए हाँ आगे पढ़ो, क्या लिखा है, एप्लीकेशन कितना है, तो 20,000 शेयर का, 20,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 40 आगे क्या लिखा है, अलॉटमेंट, कितना है, 3 रुपए कितना होता है। 60 नेक्स्ट, नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल, कितना है, फर्स्ट कॉल है 3, 3 रुपए तो कितना हुआ। 60 नेक्स्ट क्या है, सेकंड फाइनल कॉल एंड फाइनल, दो, पूरा बोलो। हाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल बी 2 रुपए 40,000 आएगा। अब ये बताओ टोटल, टोटल 10 रुपए हो गया कि नहीं, हाँ हो गया। 10 रुपए, हाँ 10 रुपए हो चल, गए। देखो, पास द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफिटेड ऑफ शेयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस,
आपको केवल फॉरफिट की एंट्री करनी है, यानी पहली वाली है ना। और केसेस कितने हैं? तीन, चार, चार है, तीन है, हाँ नहीं, तीन है तीन ना। तीन तीन, हाँ डन। चलो अब हमने लिखा केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या बोल रहा है? इस गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेल वेयर इमीडिएटली फॉरफीटिंग। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है ना, यहाँ किया पेस्ट। अब क्या बोल रहा है? गणेश ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी और यहीं पे उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफीट। इसका मतलब हमने उससे फर्स्ट कॉल भी नहीं मांगा, सेकंड कॉल भी नहीं मांगा, डन। तो अब हमने उससे पैसे कितना मांगा? 20,000 शेयर का हमने उससे 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए मांगे। यस या नो? कैसे कैसे? एप्लीकेशन का कैसे तुमने 2 रुपए मांगा, अलॉटमेंट का 3 रुपए मांगा, 5 रुपए के हिसाब से तुमने 10,000 मांगा, 1 लाख, बाकी तो तुमने मांगा ही नहीं ना। इसको बोलते हैं, जो हम मांगते हैं इसको बोलते हैं बेटा कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कितना पैसा मांगा गया। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल। हमको उससे चाहिए थे कितने? 2 लाख, लेकिन वो 1 ही लाख नहीं दे पाया था, फंस गया भाई। अब सोचो ना तुम, अगर तुम्हारे मान लो मेरी कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, अब कोई बच्चा जनवरी की फीस नहीं दिया, फरवरी की नहीं दिया, मार्च की नहीं दिया, तो क्या मैं उसको दिसंबर तक पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं बोलूंगा जा भैया, 3 महीने का डूबा ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आई ना? तो अब यहाँ पे उसने उसने उससे मैंने 1 लाख मांगा, उसने 60,000 नहीं दिया। अब मैंने यहीं पे उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफीट। फॉरफीट। अब फॉरफीट की एंट्री क्या थी? अब एंट्री तुमको याद याद हो जाएगी, अभी मैं एंट्री यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये फॉरफीट की एंट्री बनाई हुई थी, बनाइए ना, मैंने पूरी एंट्री उठा के कॉपी कर ली। मैं पहला मास्टर मिलूंगा तुमको, जो मैं तुमको खूब बोलूंगा खूब नकल करो, इतनी बार नकल करो कि नकल करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से देखना, केस नंबर वन में थे अपन, अपन ने ये एंट्री रखी। अब बताओ टोटल कितना पैसा चाहिए था उससे? दो ना ना, 2 लाख तो चाहिए था, पर मांगा कितना उससे? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है ना। प्रीमियम है क्या इस एंट्री में, इसमें क्वेश्चन में कहीं? नहीं। बताओ प्रीमियम कहीं लिखा है? नहीं। नहीं है तो हटा दो। अच्छा अब बताओ उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का उसने 60,000। गुड। तो अब तुमने फर्स्ट कॉल उससे मांगा है क्या? नहीं सेकंड कॉल? नहीं डिस्काउंट? नहीं तो हटा दो सब, नहीं नहीं बोल रही हो तुम। अब बताओ फॉरफिट निकालना कैसे सिखाया था? तो फिर माइनस करते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट 40। गुड। कितना आएगा? 50। खत्म, फुर्सत हो गए। अब चलो केस नंबर टू में चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, चुटकी में समझ में आने वाली चीज है केस नंबर टू, पढ़ो। इफ केस फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ही शेयर वेयर फॉरफिटेड। हाँ, अब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था? फर्स्ट कॉल था हमारा 3। हाँ, फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 60,000। और ये भी क्या है?
नॉट का फीट, और यहाँ पे उसका फॉर नहीं, फीट हुआ, नॉट फीट फॉर फीट अलॉटमेंट में नहीं हुआ, कहाँ पे फॉर फीट हुआ? फॉर फीट फर्स्ट कॉल पे। हाँ अब बताओ उससे हमको कितना पैसा चाहिए था? अब हमको चाहिए था उससे 8 रुपए। 8 रुपए, वेरी गुड। तो कितना टोटल हुआ? 16। 8 लाख, 1,60,000, डन। अब एंट्री करो, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा बताओ? 16 मतलब वन 1,60,000। हाँ। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला? 60 फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला? 60 फर्स्ट कॉल में 60,000 नहीं मिला है ना। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? फोर फीट में 40 आएगा। कन्फर्म? हाँ ऐसे ही कॉन्फिडेंस से बोलना है। चलो ये भी निपट गया। चलो केस नंबर 3 में चले। हाँ अब बताओ, केस नंबर 3 पढ़ो। गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन ही सबस्क्रीन फेलियर टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ही शेयर हो रिपेड। तो क्या क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी यानी अलॉटमेंट दे दिया ना उसने। हाँ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, हाँ फर्स्ट कॉल और सेकेंड और फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल। 20,000 शेयर का सेकेंड कॉल कितने का था? सेकेंड कॉल था हमारा 40। 40,000, हाँ ठीक है। और यहाँ पे उसका फॉरफिट हो गया है ना। डन है ना? हाँ डन। हाँ तो आप बताओ यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ कितना आएगा? 5 10 5 10 कहाँ से आ दस गया? आएगा 2 लाख है दस ना। आएगा। अब बताओ यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 2 लाख। गुड जॉब। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? अलॉटमेंट तो मिला है ना इस बार। हाँ गुड, ये उड़ा दिया। फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला? 60,000। गुड। सेकंड कॉल का कितना नहीं मिला? फोर्टी 40। तो अब नीचे कितना आएगा इसमें? फॉरफिट में कितना आएगा? 1 लाख। हम्म, 1 लाख। 1 लाख। अब तीनों के आंसर चेक करो, आ रहे कि नहीं आ रहे? इसमें तो वो दिया है, इसमें कुछ और दिया है। 500 शेयर दिए शेयर नहीं दिए हैं। दिए। हम्म, 500 नहीं मैच नहीं कर रहा। 500 मालूम है अपन का गलत क्यों हो गया? क्यों? अपन ने दूसरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा। देखो, गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर, नहीं पढ़ा ना? हाँ नहीं पढ़ा। अब देखो तुम्हारा, तुमको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आया अब इसी मेथड में हम 100 शेयर में काम चलाते हैं, देखो ठीक है ना? तीनों केसेस में ध्यान से समझना, ये मैं मिटाऊंगा नहीं। अब अपन ने पूरे शेयर फॉरफीट कर दिए। अभी क्या किया अपन ने? पूरे के पूरे 20,000 हमने फॉरफीट कर दिए। अब तुम बताओ कि मैं बदलू, मैं चेंज करूंगा, केवल ध्यान देना। अब बताओ कितने शेयर फॉरफीट करने हैं हमको, किसने पैसा नहीं दिया? 100 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 1,000। 1,000।
अब ये मालूम है मैं क्या क्या तुमको समझाना चाह रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरी कोचिंग में 20 बच्चे हैं और 2 बच्चे फीस नहीं दे रहे, तो क्या मैं सबको भगा दूंगा कि बीच केवल 2 को भगाऊंगा? समझ रही हो? यहाँ पे लिखा है कि 20,000 टोटल समझ शेयर है, लेकिन 100 शेयर एक आदमी के पास है, उसने पैसा नहीं दिया, तो फॉरफिट किसका होगा, पूरे 20,000 का कि 100 का? मेरी बात आवाज आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है प्रियांशी? मेरी वॉइस आ रही है? बताइए मेरी वॉइस आई कि नहीं आई? हेलो, गई आई? हाँ आ गई आवाज अभी एक मिनट बाद हाँ ये डिस आ गई एक मिनट बाद ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद 10 मिनट बाद चालू होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? अब दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, सुनना। तो मेरे ट्यूशन में अगर 20 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने फीस नहीं दी, तो मैं 2 को भगाऊंगा कि 20 को? फिर तुम्हारी वॉइस नहीं आई। 2 को भगाऊंगा कि 20 को भगा दूंगा पूरे? नो ऑडियो। दस मिनट बाद कनेक्ट करना और हम बस इसी क्वेश्चन उसको आज पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, ताकि ये 2 क्वेश्चन तुम लगाओ और उसके बाद फिर अपन कल बात करेंगे। आफ्टर 10 मिनट कनेक्ट अगेन सेम लिंक, क्योंकि तुम्हारा आज नेट भी नहीं है ना, तो कल प्रॉपर चलेगा। क्योंकि अपन ने ये ध्यान नहीं दिया कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुमको सुनाई दिया हो कि ना दिया हो, कि अगर मेरे ट्यूशन में 20 लोग हैं, 2 बच्चों ने फीस नहीं दी, तो मैं पूरे 20 के 20 को फॉरफिट कर दूंगा, भगा दूंगा कि केवल 2 को भगाऊंगा? बताओ, अगर 20 बच्चों में से 2 बच्चे फीस नहीं देते हैं, तो मैं 2 को भगाऊंगा कि पूरे 20 भगा दूंगा? तो दो को यहां भी वही गलती हुई, हमारे 20,000 शेयर होल्डर थे, अब 100 वालों ने पैसे नहीं दिए, तो मैंने पूरे 20,000 को फॉरफिट कर दिया, ये तो गलत हुआ ना? अब वही हम चेंज करेंगे। देखो, जिसके पास 100 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने ये सब गड़बड़ की है। अब पहले केस में आ जाओ, गणेश के 100 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 1,000? 2 रुपए अलॉटमेंट का नहीं मिला, लेकिन कितने शेयर का? 500 100 शेयर का, सौ दो शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है? सौ 200। फिर 100 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 300। तो 100 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से हमको कितना चाहिए था? अब यहाँ पे वैल्यू शेयर में कितनी आएगी? गुड। 500 यहाँ पे या हाँ बोलो, हाँ अलॉटमेंट में कितना आएगा? 300 तो हमारा फॉरफिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 अब चेक करो आंसर, मैं सही बुक नहीं देखूंगा, तुम चेक करो। हाँ सही है हाँ सही है पहले केस का चेक करो, आ गया कि नहीं आया? गया हाँ, अब अगले केस में आ जाओ। 100 शेयर का फिर से हमको चाहिए था 1,000। तो अब बताओ, एप्लीकेशन का कितना होता है 100 शेयर का? 200 जो मिल दो गया। सौ अलॉटमेंट का 100 शेयर का कितना होता है जो नहीं मिला? अब नींद आने लगी तुमको, समझ में आ गया। चलो, 100 शेयर का फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला? फर्स्ट कॉल हमको फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल तीन दो रुपए है ना? रुपए तो
हाँ 3 रुपए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए है। चलो तो अब हमको टोटल कितना, 8 रुपए चाहिए। हमको चाहिए कितने थे टोटल, 8, अब बताओ यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा। 800। अब सब रट गया तुमको, देखो खट से। अब बताओ यहाँ अलॉटमेंट में कितना। अलॉटमेंट में 300। अब बनता है तो देखो एक्साइटमेंट आ जाता है अपने। अब बताओ फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में 300, दो अब हमको ये फॉरफिट कितना करना पड़ेगा। सौ चेक करो आंसर, सही आ गया ना। अब आ जाओ फिर से, 100 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 1,000, अलॉटमेंट कितना सॉरी एप्लीकेशन कितना 200, अलॉटमेंट कितना, अलॉटमेंट 300, फर्स्ट कॉल कितना चाहिए था, 100 का चाहिए था 300। जो नहीं मिला, सेकंड कॉल कितना चाहिए था 2 रुपए के हिसाब से 100 शेयर का, 300, 200, अब बताओ आगे बढ़ते हैं। 200 का 100 शेयर का हमको चाहिए 1,000, है ना। अब बताओ कितना आएगा यहाँ, दस 1,000। मैं नहीं करूंगा तुम ही से पूछूंगा, एग्जाम तुमको देना है। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला, 300, सेकंड कॉल का कितना पैसा नहीं मिला, तो 200, यहां कितना आएगा, 1,000, 1,000 नहीं, 500, 500 आएगा, 500। 500 है। आंसर चेक करो। हाँ सही है। अब ये शेयर रीइशू हुए हैं क्या, नहीं नहीं हुए ना। सारे आंसर आ गए तुम्हारे। अब बताओ आज तुम्हारा नेट काम नहीं कर रहा है, तो आज और पढ़ना है कि इतना पहले पढ़ोगी इसका लपन ज्यादा पड़ेंगे। अभी इतना पहले 46 वाला सो बड़ा है, क्वेश्चन संगीता क्वेश्चन लिमिटेड। पढ़ के बताओ, संगीता वाला, संगीता वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो है, थोड़ा सा बड़ा तो है बिटिया। ट्राई करूंगी, बन जाएगा तुम बन फोर्टी जाएगा तो सिक्स ठीक है, नहीं तो तुम फोर्टी फिर सिक्स वाला ट्राई मत करना। तुम 41 वाला कौन सा है, देखो अंकित वाला है क्या। हाँ 48 है, अंकित लिमिटेड। अंकित लिमिटेड वाला ट्राई करना बस, ये कंफ्यूज मत होना। अगर प्रीमियम लिखा है ना हाँ तो बस याद है ना, ये एंट्री हाँ याद है, प्रीमियम प्रीमियम कहाँ क्रेडिट लिखते हैं, में, हाँ डेबिट में, फॉरफिट में डेबिट, फोरफिट पे डेबिट पे। ठीक है ना। कोशिश करना, और अगर ये वाला क्वेश्चन ढूंढोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा, संगीता वाला मैंने मैंने मेरे मेरे वाले वीडियोस में मिल जाएगा। नहीं तो कल तो अपन लगाएंगे। तुम्हारा ये फॉरफिट और रीइशू मैं अगले 4 दिन में खत्म कर दूंगा, 4-5 दिन में खत्म। बस जितना मैंने आज पढ़ाया है वो कल पढ़ के आना दोबारा लगा के अपने से। मैं ये फाइल तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। और ये रिकॉर्डिंग अभी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर डाल दूंगा यूट्यूब पे, तुमको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज नेट नहीं है, कल नेट बचा के रखना, नहीं तो फिर ऐसी क्लास अटक अटक के चलेगी बेटी। चलो ठीक है फिर।
चलो डन, आज के लिए इतना पर्याप्त है।